कार्यकर्त्यांनी अधिकाधिक ऊर्जेने काम करून केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारने नागरिकांच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या योजना या सर्वांपर्यंत पोहोचवा असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी खारघरमध्ये केले. खारघरमधील लिटिल बर्ड मॉलमध्ये भारतीय जनता पक्ष खारघर मंडळाची विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक रविवारी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या उपस्थितीत आणि शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, जिल्हा चिटणीस ब्रिजेश पटेल, अमरीश मोकल, शहराध्यक्ष प्रवीण पाटील, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर, शहर सरचिटणीस दीपक शिंदे, कीर्ती नवघरे, माजी नगरसेवक नरेश ठाकूर, शत्रुघ्न काकडे, हरेश केणी, अभिमन्यू पाटील, पापा पटेल, माजी नगरसेविका अनिता पाटील, नेत्रश पाटील, हर्षदा उपाध्याय, साधना पवार, नितेश पाटील, आरती नवघरे, अजय माळी, राजेंद्र मांजरेकर, अक्षय लोखंडे, कंचन बिर्ला, अमर उपाध्याय, बीना गोगरी, गीता चौधरी, संध्या कारबिद्रे, संतोष शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, संजय घरत, सचिन वासकर, विजय पाटील, रमेश खेडवार, ॲडव्होकेट सुमन सहाय, प्रवीण बेरा, रुपेश बरहण, वासुदेव पाटील, दूता ठाकूर, सुरेश ठाकूर, अंकिता वारंग, शोभा खडसे, मधुमिनिता जेना, विनोद ठाकूर, संदीप माघाडे, नीलम विस्पुते, दुर्गा बंसल, स्नेहल पुधाई, डॉ ज्योती जाधव, प्रिया दळवी, सोनल लहा, अश्विनी पुवड, दिलीप जाधव, संजय मुळीक, रामचंद्र पाटील, मीनाक्षी ओसवाल, नवलकुमार मोरे, शफी पटेल, पप्पू चौरसिया, दत्ता कांबळी, तुकाराम कंटाळे, केतन मौधरे, विद्युल घोलवे, प्रिया हणमंते, शैलेंद्र त्रिपाठी, गजे सिंग यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. आज हम सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक को कर रहे हैं. जो बैठक इसके पहले पनवेल में जो ऑडिटोरियम हुआ वहां पर उत्तर रायगढ़ जिला की हो चुकी है. इसके पहले यही बैठक जब पूना में महाराष्ट्र प्रदेश की कार्यकारिणी हुई उसमें यही कार्यक्रम हो चुका है. फिर भी आज हर मंडल स्तर पर जाकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं कि आज हम सभी मिलकर यहाँ पर जो उपस्थित है गिने चुने लोग उपस्थित है. हम खारघर के सारे कार्यकर्ता तो यहाँ पर नहीं बैठे. अविनाश जी ने बताया कि मर्यादित रूप में हम कार्यकर्ता बैठे हैं, पर जो कार्यकर्ता जिनके ऊपर जिम्मेवारी है ऐसे लोग यहाँ पर बैठे. और हम सभी जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं, और दुनिया में कितने सारे देश आज ऐसे हैं कि जिनमें भारत जैसी डेमोक्रेसी है. 140 करोड़ से ज्यादा जिस देश की आबादी है उस देश में एक सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार चुनकर आना कितनी मुश्किल बात है, पर मोदी जी है तो मुमकिन है. मोदी जी के रूप में देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिन्होंने 2014 साल से अखंडित रूप में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हम सभी घरों में उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया. ये तो आप सभी मानेंगे कि चाहे हमारी सांपत्तिक स्थिति कैसी भी हो पर मोदी सरकार की एक ना एक अनेक योजनाओं का लाभ हम में से हमारे हर घर में मिल चुका है. किसी को मुफ्त अनाज मिल रहा है, किसी को शौचालय मिला, किसी को गैस मिला, किसी को प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला, तो किसी को आज मुफ्त अनाज 80 करोड़ जनता को मिल रहा है वैसे मिला है. पुरुष साथी बोलेंगे इसमें से हमको क्या मिला, तो कोविड के दो दो वैक्सीन के डोज आप सभी ले चुके हैं. अगर मुफ्त में मिले हैं तो मोदी सरकार की वजह से हम सभी को यह लाभ मिले हैं. एक नजर आप दुनिया में डाल दीजिए, भारत के इर्द गिर्द देखिए, पाकिस्तान महंगाई कहां पहुंची, श्रीलंका महंगाई कहां तक पहुंची, यूरोप में जाइए, जर्मनी, ब्रिटेन, यहां की अर्थव्यवस्था का आज क्या हाल है, उनको मंदी घोषित करनी पड़ी वहां पर, जापान में भी मंदी घोषित करनी पड़ी, पर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत देश की है. दुनिया में सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनकर आज भारत पांचवें नंबर पर पहुंच चुका है और आने वाले समय में हम तीसरे नंबर तक पहुंचेंगे. सोचिए अमेरिका हुआ, चीन हुआ, चाइना, उनके बाद भारत का नंबर आने वाले समय में लगेगा. तो ये एक तरीके से चमत्कार है कि ये इतनी ताकत से आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, पर
जो महंगाई का सामना हमारे दुनिया में सारे लोगों को करना पड़ा वो नहीं करना पड़ा। कोविड जैसे समय में मुफ्त वैक्सीन इस देश की 140 करोड़ जनता में से जो 18 साल के ऊपर है उनको, 11 से 18 में उनको वैक्सीन तो दिया जा रहा है, और जो 65 साल के ऊपर है उनको तो 3-3 डोज मिल चुके हैं। इतने सारे हजार हजार रुपए के डोसेस सरकार के माध्यम से मिले, मुफ्त अनाज कोविड में के बाद में 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और अब जाहिर किया गया अगले 5 साल खत्म होने तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो इतने सारे लोगों तक सरकार के लाभ मिलते जा रहे हैं, और उसी वक्त महंगाई का सामना आपको ना करना पड़े, बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, ये बैलेंस करते हुए हमारी देश की सरकार अगर आगे जा रही है। अविनाश जी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हासिल करते हुए देश की सरकार आगे जा रही है, तो ऐसे सरकार का आप सभी ने अभिनंदन किया, आपको मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सभी विश्वास के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी आपली जी बैठक जी है, ये बैठक विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक है, त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांना त्या पद्धतीचे निरोप आले असतील, दोन दोन वेळा निरोप आले असतील की आजचा वेळ जो आहे, आजचा दिवस आहे हा राखून ठेवावा, कारण आपली खारघर मंडळाची महत्वपूर्ण बैठक ही आज होणार आहे। केंद्राची केंद्राचं अधिवेशन विस्तारित कार्यकारिणी हे दिल्लीला झालं, त्याच्यानंतर पुण्याला महाराष्ट्र प्रदेशाचं अधिवेशन झालं, आपल्या पनवेलच्या नाट्यगृहामध्ये आपल्या जिल्ह्याचं अधिवेशन झालं, आणि मग प्रदेशांनी आपल्याला सूचना केल्याप्रमाणे प्रत्येक मंडळाची विस्तारित कार्यकारिणी म्हणजे मंडळाचं अधिवेशनच हे घ्यावं असं परवाच्या दिवशी पनवेल ग्रामीण मंडळाचं झालं, काल पनवेल शहर कामोट्याचं झालं, आणि आज खारघरचं होतंय, कर्जतचं होतंय, खोपोलीचं होतंय, त्यामुळे अशा प्रकारच्या बैठका या पूर्ण जिल्ह्यातल्या सगळ्या मंडळांमध्ये होत आहेत। त्यामुळे आपल्याला आजची जी बैठक जी आहे या आजच्या बैठकीतून आपण एक ऊर्जा घेऊन जावं, आपण काही संकल्प करून घ्यावा, मनाशी संकल्प आपण बांधावा, आणि तो संकल्प घेऊन आपापल्या शक्ती केंद्रामध्ये आपापल्या बूथमध्ये आपापल्या विभागामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी तशा प्रकारच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा माहिती सांगावी, आणि आपण ज्या आज बैठकीमध्ये जे जे ठरवणार आहोत, जे जे मनाशी मनामध्ये खुळगाट मांडणार आहोत, त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपण खालपर्यंत लोकांपर्यंत आपण पोहोचवायच्या आहेत। त्याच्यामुळे मगाशी ब्रिजेश पटेल यांनी जो अभिनंदनाचा ठराव मांडला, तो अभिनंदनाचा ठराव मांडत असताना आपल्या सगळ्यांना सांगितलं की माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब हे आपल्याला सांगत असतात सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, म्हणजे जर आपल्याला सगळ्यांची साथ मिळवायची असेल, त्यांचा विकास करायचा असेल, तर त्या सगळ्या माणसांचं सगळ्या लोकांचं आपल्याला विश्वास संपादन करायला लागेल, आणि या तिन्ही गोष्टी जर करायच्या झाल्या तर त्याच्यासाठी आपल्याला प्रयास करायला लागणार आहे, प्रयत्न करायला लागणार आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला पुढच्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त प्रयत्न करायला लागणार आहे, जास्तीत जास्त वेळ द्यायला लागणार आहे, कारण पुढच्या 2 महिन्यामध्ये जी विधानसभेची निवडणूक येणार आहे त्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये माननीय आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांना गेल्या 19 निवडणुकीमध्ये जेवढं मताधिक्य मिळालं होतं त्याच्यापेक्षा जास्तीत जास्त मताधिक्य मिळवून पुन्हा एकदा 14 आपल्याला आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांना पुन्हा एकदा आमदार निवडून आणायचं आहे, आणि त्याच्यासाठी म्हणून आपल्याला पुढच्या काही दिवसांमध्ये अधिकाधिक वेळ देऊन आपल्याला काम करायला लागणार आहे। त्याच्यामुळे आपण सगळ्यांनी या बैठकीमध्ये आपण जे जे काही मनाशी ठरवू ते आपण सगळ्यांनी करायला पाहिजे।